उमा जी, एक दूसरा प्रश्न उठता है जो बाबरी विध्वंस का मामला है उससे जुड़ा हुआ। शिवसेना के नेता संजय राउत, उन्होंने ये कहा है कि इस केंद्र सरकार को ये जो बाबरी विध्वंस का मामला है इसको खत्म ही कर देना चाहिए। जो मुकदमा चल रहा है आपके खिलाफ, आडवाणी जी जोशी जी के खिलाफ, कल्याण सिंह जी के खिलाफ, इसको बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे शिवसेना ने ये ओन अप किया, माना कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद को गिराया था, वैसे बीजेपी को भी ये मान लेना चाहिए। जब आप एनडीटीवी का गवाह है कि मैंने जो राम जन्मभूमि अभियान में भागीदारी की उससे कभी ये नहीं कहा कि मेरे को लगता है कि मैंने गलत किया, तो इसलिए मैंने और ये भी कहा कि माननीय कोर्ट इसमें जो कहेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। 6 लोगों को उन्होंने इसके लिए चार्जशीट किया सीबीआई ने, 2017 अप्रैल में वो चार्जशीट जाहिर हुई, उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ, उसके बाद फिर माननीय सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने हमको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, तो हमने भी वहाँ जा करके अपना पक्ष रखा है और हमने वकीलों से परामर्श करके वही बात कही है जो सच्चाई थी। तो इसलिए हमको ये चीज़ बिल्कुल महत्व ही नहीं रखती है कि वहाँ पर क्या होता है, फैसला क्या होता है, उसका परिणाम हमें क्या मिलता है। एनडीटीवी स्वयं इसका गवाह है कि मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि अभियान में भागीदारी के लिए मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाएगा तो मेरी माँ की कोख धन्य हो जाएगी, मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरा देश, वो गांव, नगर डगर सब धन्य हो जाएंगे जहाँ मैं पैदा हुई थी। लेकिन फिर भी क्या बीजेपी को इस पे आगे नहीं आना चाहिए था? जो बुजुर्ग नेता हैं, 92 साल के आडवाणी जी हैं, जोशी जी इतने बुजुर्ग हैं, उनको एक तरह से अकेला छोड़ दिया गया, यह संदेश जाता है कि इस वक्त जो आपकी सरकार है और इस वक्त यह सब हो रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है। जो एविडेंसेस हैं उनके पास में उसके आधार पर जिन पर उनको शंका होगी, हम क्यों चाहेंगे कि कोर्ट हमें इस बारे में हम पे रहमो करम करे। कोर्ट तो रहमो कर, आपने देखा ना, कानून की तो आंख पर पट्टी होती है और हाथ में तराजू होती है, और इसलिए उनसे अपेक्षा करना कि वो किसी के साथ पक्षपात करेंगे। आडवाणी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, जोशी जी राम जन्मभूमि अभियान के समय पर हमारे अध्यक्ष थे, और आडवाणी जी आपको स्मरण हो वो व्यक्ति हैं जिनने मुंबई में जब हमारा अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था तो उसमें उन्होंने वहाँ घोषणा की, जबकि सब अपेक्षा ये कर रहे थे कि 1996 का चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में होगा, प्रधानमंत्री हम उनको घोषित करेंगे, अपना मतलब प्रधानमंत्री पद का दावेदार। लेकिन आडवाणी जी ने अचानक हम सबसे परामर्श किए बिना, क्योंकि उस समय भी मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी थी, मंच पर घोषित कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जो व्यक्ति इतना बड़ा हो वो व्यक्ति इतनी छोटी बातों में कभी नहीं पड़ेगा। मेरे को चूंकि एनडीटीवी के पास और समय कम होगा, अन्यथा मैंने उनके मुंह से अकेले में बैठ करके भी जो बातें सुनी हैं वो इतनी बड़ी बातें हैं, वो इतना बड़ा व्यक्ति है मुरली मनोहर जोशी जी, इतने बड़े लोग हैं कि ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोर्ट हमें दया करके हम पे एग्जम्प्ट, हमें एग्जम्प्ट कर दे, ये भी नहीं, वो भी नहीं चाहेंगे। बाकी शिवसेना ने हमारे साथ सद्भावना दिखाई है, ये बहुत अच्छी बात है, और शिवसैनिक तो स्वयं शौर्यवान लोग हैं, वो क्यों चाहेंगे कि कोई दया का पात्र बने।